सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां आज संजय लीला भंसाली का बयान दर्ज किया जाएगा, वहीं एक और बात निकलकर सामने आ रही है, परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। जी हां, एक और महत्वपूर्ण सदस्य है जिसका बयान जो है पुलिस फिर से दर्ज करना चाहती है। मैं फिर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका जो बयान है वो पहले भी दर्ज किया जा चुका है। कौन है वो, मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। दरअसल पुलिस जो है अब जो जांच में वो आगे बढ़ रही है तो उनको कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर अभी भी वो डाउट में है, असमंजस में है, जिसके बारे में वो परिवार से फिर से कुछ चीज़ें पूछना चाहती हैं, कुछ फैक्ट्स पूछना चाहती हैं। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के पिता को जो है के सिंह को बोला गया है कि अगर वो मुंबई आकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। और पुलिस ने उनसे कहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है सूत्रों के मुताबिक, कि उनका बयान जो है फिर से दर्ज किया जा सकता है। क्योंकि जब पहले बयान दर्ज किया गया था वो काफ़ी प्री मेच्योर स्टेज पर था केस, उसके बाद बहुत सारे लोगों के जो है बयान दर्ज किए गए, उसमें से कई ऐसी चीज़ें निकल कर बाहर आई है जिसको लेकर पुलिस चाहती है कि वो उनके परिवार से एक बार फिर से पूछे। ऐसे में उनके पिता को फिर से कहा गया है कि अगर वो आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और पुलिस जो है उनका बयान फिर से दर्ज करना चाहती है। तो हो सकता है कि उनका बयान जो है फिर से दर्ज किया जाए। तो इस हफ्ते जो है तीन महत्वपूर्ण बयान जो है बहुत ही ज़्यादा जो इस केस में इम्पॉर्टेंट है वो दर्ज किए जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, संजय लीला भंसाली, शेखर कपूर, और हो सकता है कि अब उनके पिता का भी जो बयान है फिर से दर्ज किया जाए। दरअसल जब शुरू में उनका बयान दर्ज किया गया था वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, कई चीज़ों को शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो आए थे एक दिन के लिए ही और उन्होंने अंतिम संस्कार में जो है हिस्सा लिया और उसके अगले दिन ही वो निकल गए। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जैसे ही उन्होंने अपने बेटी की खबर सुनी थी, बिहार से ही खबर आई थी, पटना से उनके घर से, कि वो बेहोश से हो गए थे और वो चाहते थे कि अंतिम विधि की जो है परमिशन है वहाँ पर दी जाए। उन्होंने उस समय बयान तो दर्ज किया लेकिन काफ़ी भावुक थे, डिस्टर्ब थे और बहुत प्री मैच्योर था केस, इसीलिए हो सकता है कि अब उनके पिता का बयान जो है फिर से दर्ज किया जाए, क्योंकि पुलिस बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। तो वो चाहती हैं कि परिवार उन चीज़ों के बारे में क्या क्या जानता था, अगर उन्हें कुछ पता होगा तो पुलिस जो है उनके लिए केस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसलिए उनके बयान को जो है दोबारा दर्ज किया जा सकता है।